देश भर के विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए CUET यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा शुक्रवार से शुरू हो गई है। 15 जुलाई से 20 अगस्त तक दो पालियों और दो चरणों में होने वाली CUET के लिए भारत में 500 और विदेशों में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आज पहली पाली की परीक्षा संपन्न हो गई है। परीक्षा केंद्रों पर छात्रों के साथ उनके अभिभावकों के पहुँचने का सिलसिला शुक्रवार सुबह से ही शुरू हो गया था। पहली पाली की परीक्षा समाप्त होने के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक छात्रा अचानक परीक्षा केंद्र बदले जाने की शिकायत कर रही है। वहाँ बोला कि सेंटर चेंज हो गया है, तो अचानक से हमें पता चला। हमें तो कुछ भी नहीं पता था, घर पे तो वही डेट जो आई थी उसी के अकॉर्डिंग हम घर से निकले थे। डेट बढ़ा दीजिए बस। ये छात्रा परीक्षा की तिथि बढ़ाए जाने की भी मांग कर रही है। CUET के लिए देश विदेश में लगभग 15 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया है। इसके साथ ही CUET अब देश में दूसरी सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा बन गई है। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा NEET UG भारत में सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा है, जिसमें औसतन 18 लाख छात्र पंजीकरण कराते हैं। अब 12वीं कक्षा के अंकों के बजाय केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए CUET में प्राप्त अंक अनिवार्य होंगे। हालांकि विश्वविद्यालय अपने न्यूनतम पात्रता मानदंड को तय कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़, नई दिल्ली।